मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश के आरोप में तिहाड़ जेल से आया बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली जेल विभाग ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रचने के आम आदमी पार्टी के आरोप को खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नंबर दो नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में है। वहीं शुक्रवार 10 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया की राजनीतिक हत्या कराना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने होली के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली जेल विभाग पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा, यह पता चला है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार के साजिशों के कारण जेल में है। यह पता चल रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल के जेल नंबर एक में रखा गया है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अभी यह भी पता चला है कि अंडर ट्रायल को जेल नंबर एक में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर एक में पूरे देश के सबसे खतरनाक हिंसक और अपराधी बंदे कई हार्डकोर क्रिमिनल्स इस जेल में हैं। वो छोटे से इशारों पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। उनके ऊपर दर्जनों हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर एक और मुकदमा लग जाएगा। के इस आरोप के बाद जेल विभाग ने एक बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अलग वार्ड में रखा गया है। जेल विभाग ने आपके आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि सीजे वन के वार्ड में ऐसे कैदी हैं जो गैंगस्टर नहीं है और जेल के अंदर अच्छा आचरण कर रहे हैं। जेल विभाग के अधिकारियों ने कहा, इस सेल में उनके लिए बिना किसी बाधा के मेडिटेशन यानी गतिविधियां करना आसान है। उनकी सुरक्षा के लिए जेल के नियमों के अनुसार सब इंतजाम किए गए हैं। जेल में उनके सुरक्षा को लेकर जताई गई कोई आशंका निराधार है। सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वह बुधवार को ध्यान रखेंगे और पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मद्देनजर होली नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा था कि देश की स्थिति चिंताजनक है, इसलिए वह देश के लिए प्रार्थना करें।